देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जो भी गरीब तबके हैं, देश के अंदर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उनके हित में अनेक काम किए। एक ही शब्द बोलना चाहेंगे, सृष्टा था वह आज़ादी का, युग दृष्टा भी वह कहलाया, स्वतंत्रता की ज्योति लिए संघर्ष लिए वह भू पर आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम अभी मौजूद हैं जीवेश कुमार सर, जो कि श्रम संसाधन मंत्री हैं बिहार के, उनके आवास पे, और उन्होंने झंडा तोलन किया। अभी साफ तौर पे आपने देखा। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के बारे में वो क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है जी। अमृत महोत्सव के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसको मनाने का पूरे देशवासियों के साथ संकल्प लिया है। देश के अंदर जो भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से जूझते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जो भी गरीब तबके हैं, देश के अंदर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उनके हित में अनेक काम किए हैं। देश पीछे कोरोना जैसी महामारी से भी जूझी है और राष्ट्र ने संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में 31 दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का वयस्क का टीकाकरण करेंगे। बिहार की सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है और 50 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण इस देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हो चुका है। बिहार राज्य के अंदर 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हो चुका है। हम सभी को मिलकर के अमृत महोत्सव के रूप में इस स्वतंत्रता दिवस को मनाना है। देश का हर आदमी खुशहाल हो, सुखी हो, यही संकल्प लेते हुए आगे इस स्वतंत्रता दिवस को हम लोग मना रहे हैं। सर, एक सवाल और। सर, जैसे कि आप श्रम संसाधन मंत्री हैं, आपने कहा कि टीकाकरण की बात, वो तो सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार की 50% से अधिक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, बाढ़ से मतलब जूझ रहा है। बाढ़ हर साल आती है, ये तो पॉलिटिकल प्रश्न है। आज हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बिहार के जो अपने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों के हित में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। कम्युनिटी किचन से लेकर के आर्थिक मदद, हर प्रकार की सुविधा में बिहार सरकार के जितने कर्मचारीगण हैं सभी लोग लगे हुए हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, अभी हमारे साथ जीवेश कुमार जी मौजूद थे, जो कि अभी बिहार के वर्तमान में श्रम संसाधन मंत्री हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी लोगों के, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बाढ़ से जो भी लोग पीड़ित हैं उन लोगों को मुख्यमंत्री के तरफ से कुछ ना कुछ उसका निवारण और उसका उपाय दिया जाएगा और जो भी समस्याएँ हैं उसका समाधान किया जाएगा। हमारे साथ पटना महानगर उपाध्यक्ष अमृत शर्मा मौजूद हैं, जो कि भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आज 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे वो क्या कहना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो 75 वर्ष भारत अपनी आज़ादी का बहुमूल्य जो स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद ये प्राप्त हुआ है। और हम युवा मोर्चा पटना महानगर अपने स्वतंत्रता का ये जो दिवस है इसको वृहद पैमाने में मनाना चाहते हैं। जैसे अभी कोरोना महामारी के बाद जो अभी जो सिचुएशन चला आ रहा है वो आप देख रही हैं, सब कोई जान रहा है, इसको हम बहुत अच्छे से इसको हैंडल करते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इसके लिए हम एक ही शब्द बोलना चाहेंगे, सृष्टा था वह आज़ादी का, युग दृष्टा भी वह कहलाया, स्वतंत्रता की ज्योति लिए संघर्ष लिए वह भू पर आया। पीड़ित शोषित कतराता था, पतितों का प्रबल सहारा था, भारत माता का नहीं मात्र वसुधा का पुत्र दुलारा था। सबों को, समस्त देशवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना जी। धन्यवाद।
तो आपने सुना, ये थे हमारे पटना महानगर के उपाध्यक्ष जी, जिन्होंने 75वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी लोगों को, और साथ ही जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको भी नमन करते हुए एक उपदेश भी दिया। आज फिर से मैं कहना चाहूँगी, 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश की जितनी भी जनता है हर्षोल्लास के साथ इस चीज़ को आज मना रही है, और आप सभी जानते हैं आज के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, और इस खुशी को हमेशा से मनाते आ रहे हैं, हम आगे भी मनाएंगे। इसी प्रकार आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।